तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज़ आ टॉप लोड वॉशिंग मशीन लाइक ए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। मतलब अगर आपने एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन परचेज़ किया है, उसको आप अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह यूज़ करना चाहें तो कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक इन द सेंस कि आप उसमें सेपरेट वॉश कर सकते हैं, सेपरेट रिंस कर सकते हैं एंड सेपरेट स्पिन कर सकते हैं। एंड कोई भी कस्टमर अगर किसी भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक की तरह यूज़ करता है तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला, जो एक बार वाटर कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज़ हुआ था, उस वाटर को हम लोग रीयूज़ कर सकें दूसरे गंदे कपड़ों को वॉश करने के लिए। दूसरा रीज़न, जो एक बार डिटर्जेंट हमने यूज़ कर लिया, उसी डिटर्जेंट वाले वाटर को हम लोग दोबारा रीयूज़ कर सकें। मतलब डिटर्जेंट भी हमारा रीयूज़ हो जाए एंड वाटर भी हमारा रीयूज़ हो जाए। अब ये हम कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे अपने इस लाइव डेमो वीडियो में। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सैमसंग की न्यूली लॉन्च इको बबल टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट हीटर भी मिलता है, हाइजीन स्टीम का भी ऑप्शन मिलता है एंड ये वाईफाई इनेबल्ड वॉशिंग मशीन है। तो इसके ऊपर आज हम लोग ये लाइव डेमो करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे वाइट क्लॉथ्स हैं, हम सबसे पहले उनको वॉश करने के लिए रखते हैं। तो ये कुछ वाइट क्लॉथ्स को मैं डाल रहा हूँ। एंड कुछ कपड़े आपके ऐसे हैं जो आपके मतलब एक्सपेंसिव हैं, फेवरेट हैं, आप उसको इस तरह से एक वॉशिंग नेट के अंदर भी रख के वॉश कर सकते हैं ताकि उनके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएं। अब इसके बाद हम लोग इसमें डिटर्जेंट को पोर करेंगे। डिटर्जेंट आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इस पानी को दोबारा रीयूज़ होना है। तो अब मैं इसमें डिटर्जेंट डाल देता हूँ। मतलब ये मैंने डेमो के लिए फिल किया है, आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इस मशीन को हम लोग करते हैं ऑन। अब सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम चूज़ करेंगे क्विक वॉश का, क्योंकि ये चार कपड़े हैं तो इसके लिए हम लोग क्विक वॉश का प्रोग्राम चलाएंगे। ये हमने क्विक वॉश का प्रोग्राम चला दिया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर वॉश, रिंस और स्पिन तीनों साइकिल इसमें एक्टिवेट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिंस साइकिल को डीएक्टिवेट करना है। रिंस के बटन को मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पर ये रिंस का साइकिल ऑफ हो गया और डिस्प्ले पे भी आपको साइन दिख जाएगा। देन इसके बाद हमने इसके स्पिन के साइकिल को भी डीएक्टिवेट करना है। अब ये स्पिन का साइकिल भी इसमें डीएक्टिवेट हो गया है, अब सिर्फ हमारा वॉश रह गया है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं स्टार्ट। ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। अब सबसे पहले वॉशिंग मशीन फैब्रिक का लोड सेंस करेगी, देन उसके हिसाब से वाटर लेवल वगैरह सारा एडजस्ट करेगी। तो ये फाइनली हमारा फर्स्ट राउंड का पहला वॉश साइकिल हो चुका है कंप्लीट। और देखिए मशीन ने यहाँ पर बजर दे दिया है। अब इसके डोर को हम लोग ओपन करेंगे और ये मशीन ऑफ हो जाएगा। बट कपड़े लोड और अनलोड करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि मशीन को आप पावर से भी ऑफ़ कर दें। तो इस मशीन को मैंने पावर से भी ऑफ़ कर दिया। आप देख सकते हैं कि वॉश साइकिल होने के बाद वॉशिंग मशीन ने पानी को ड्रेन आउट नहीं कराया, पानी इसमें एज इट इज़ है। अब इन कपड़ों को बाहर निकाल के हम लोग इसमें नए कपड़े ऐड करेंगे। चलो कपड़ों को बाहर निकाल देते हैं। तो इसी पानी पे हम लोग दोबारा से अब नए कपड़े हम एक एक करके ऐड करते हैं। तो जो आपके बाकी के मिक्स क्लॉथ्स हैं वो सारे आप इसमें एक एक करके आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। एंड जब वॉशिंग मशीन के आप अंडर गारमेंट्स वगैरह वॉश करें तो आप कोशिश कीजिए कि उनको आप इसमें एज ए वॉशिंग नेट के अंदर वॉश करने की कोशिश करें ताकि उनके डैमेज होने के चांसेस ना रहे। तो अब हम दोबारा से इसमें अपना वॉशिंग साइकिल को करते हैं एक्टिवेट। तो यहाँ से मैंने मशीन ऑन किया। अब इसमें मैं प्रोग्राम रन करूँगा नॉर्मल का, क्योंकि अब इसमें थोड़ा लोड ज़्यादा है। एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वॉश, रिंस और स्पिन तीनों साइकिल एक्टिवेटेड है।
सेम मुझे पहले इसका रिंस साइकिल को डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि रिंस और स्पिन हम लोग उन सभी कपड़ों को एक साथ बाद में करेंगे, देन इसमें स्पिन साइकिल को भी हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा नॉर्मल वाला साइकिल रह गया है। वाटर लेवल आप चाहो तो मैन्युअली बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं स्टार्ट। तो ये फाइनली हमारा सेकंड राउंड का भी वॉश साइकिल हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें हम लोग अपने जो पहले वॉश किए हुए कपड़ों को डालेंगे एंड अब प्रोग्राम चलाएंगे हम लोग इसमें रिंस प्लस स्पिन का। तो रिंस और स्पिन वाले साइकिल के लिए लॉन्ड्री को ऐड करने से पहले हम लोग पहले इस वॉशिंग मशीन का पानी करेंगे ड्रेन आउट। पानी ड्रेन आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोग्राम रन करेंगे स्पिन का। स्पिन के बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्पिन के प्रोग्राम को आप यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। हमें प्रोग्राम रन नहीं करना है, बट सिर्फ हमें पानी ड्रेन करना है। इस प्रोग्राम को जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो मशीन के अंदर जितना भी वाटर है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। ये देख सकते हैं मशीन ने पानी को ड्रेन आउट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर इसी पानी में अगर हम दोबारा से उन कपड़ों को डालते तो वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम लोग रिंस और स्पिन का प्रोग्राम चलाते तो वॉशिंग मशीन उसी पानी में और पानी लेती है। बट हमें अगर साफ पानी में रिंस करना है तो इसलिए हमें पहले पानी को ड्रेन आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसी पानी में अगर रिंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर आपको ड्रेन आउट करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली आप रिंस और स्पिन आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए वॉशिंग मशीन अपना पानी सारा ड्रेन आउट कर रही है। तो ड्रेन आउट करने के बाद जैसे ये स्प्रिंग मोड पे एक्टिवेट हो तो इसके प्रोग्राम को हमें ऑफ कर देना है, जो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन ने अपना सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया एंड इसका ड्रम रोटेट होना स्टार्ट हो गया है स्पिनिंग साइकिल के लिए। अब यहाँ पर हमें इसका साइकिल करना है ऑफ। ये हमने इसका साइकिल ऑफ कर दिया। अब इसमें हम लोग उन वाले कपड़ों को दोबारा ऐड करेंगे जो हमने पहले वॉश किए थे और इनको हम लोग अब एक साथ करेंगे रिंस और स्पिन। एक एक करके हम लोग इन सारे कपड़ों को करते हैं ऐड। तो ये हमने पहले वाले कपड़े भी इसमें ऐड कर दिए हैं। दोबारा से वॉशिंग मशीन को हम लोग ऑन करेंगे एंड प्रोग्राम सेट करेंगे रिंस प्लस स्पिन का। रिंस प्लस स्पिन बाय डिफॉल्ट इसमें एक बार रिंस सेलेक्टेड है, आप इसको दो तीन भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है। एंड स्पिनिंग का भी जो है लो मीडियम हाई आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपको स्पिन चाहिए। तो हम लोग इसे अब करते हैं स्टार्ट। तो अगेन वॉशिंग मशीन रिंसिंग और स्पिनिंग वाले प्रोग्राम के लिए भी पहले लॉन्ड्री का वेट सेंस करेगी, क्योंकि हमने अब लॉन्ड्री इसमें बढ़ा दिया है। उसके बाद देन ये वाटर लेवल सेट करेगी कि कितना वाटर लेवल होना चाहिए रिंसिंग के लिए। तो इस तरह से बेसिकली ये मशीन काम करती है। तो फाइनली हमारा टोटल साइकिल हो चुका है कंप्लीट। तो इसके अंदर हमने वॉश भी कर लिया, रिंस भी कर लिया और स्पिन भी कर लिया। अब इन कपड़ों को हम लोग अनलोड कर लेते हैं, उससे पहले वॉशिंग मशीन को हम लोग प्लग ऑफ करते हैं। अब एक एक करके हम इन कपड़ों को निकालेंगे और अपने ड्रायर के अंदर इनको ड्राई करने के लिए रख देंगे। तो अब इन्हीं कपड़ों को हम एक एक करके डालते हैं अपने इस ड्रायर के अंदर ड्रायर होने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर इस ड्रायर के ऊपर भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ड्रायर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप जाके इन ड्रायर की वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।